अम्मा बाप आज की शांतता मीटिंग में आए हुए मंत्री दादा भुसे साहब, कलेक्टर साहब, जिला एस पी विनोद साहब, कमिश्नर साहब, एसपी साहब, प्रधान साहब और डीवाईएसपी साहब और गणेश चतुर्थी के अध्यक्ष दोस्तों और साथियों, हमारे शहर में आज मैं देख रहा हूँ कि आज यहाँ पर जब कभी भी कोई खड़ा होता था तो ये बोलता था कि कॉर्पोरेशन से ये तकलीफ है। आज दादा भाव हाजिर हैं, मैं बता देना चाहता हूँ कि आप जिस रोड से गणेश चतुर्थी जाती है, जिस रोड से ताजिया जाती है, उसी रोड से जुलूस भी जाता है। आपने पिछले साल मिर्जा गालिब रोड पे कुदाल लगाई थी, पिछले साल मैं रास्ता डिप्टी कमिश्नर को बताते हुए जाया तो मतलब ये रास्ता ज़्यादा ख़राब है, तो वो बोले कि यार ये पास हो गया, सीमेंट रोड बनेगा, मगर एक साल हो गया दादा भाव, वो रोड अभी तक सीमेंट रोड नहीं बना है। मिर्जा गालिब रोड मसावरा चौक पे आप कुदाल मार रहे हैं, ऐसे ही फतेह मैदान पर तो खैर अभी कमिश्नर साहब ने कल दौरा किया, मगर आज वो हो नहीं सकता है, सिर्फ पेच वर्क हो सकता है। और हम लोग एक महीना पहले कमिश्नर साहब को लेटर दे देते हैं कि यार जो जो रास्ते खराब है, कुछ हुआ है, तो वो आप ये क्लियर कर देंगे, एक बात। अब दूसरी बात ऐसी है कि मालेगांव शहर में भाईचारा बहुत है, आज हर एक आदमी बिजनेस के लिए लड़ाई लड़ता है, और जिस तरह हमारे जिस्म में खून दौड़ता है उसी तरह अगर पावर नहीं रहेगी तो लोगों को बहुत तकलीफ होगी। तो प्रेम सिंह साहब यहाँ बैठे हुए हैं, पिछले हफ्ते मैंने एसी साहब को लेटर दिया, उन्होंने हमको महावितरण का जो है शेड्यूल दिया कि लोड शेडिंग नहीं है, और दादा भाऊ के साथ दो दफ़ा हमारी मीटिंग हो चुकी है उनके कि ये सैकड़ों कारखाने बन के पड़े हुए, सरकार बोलती है रोजगार देने का और ये पावर लूम के कारखाने को कनेक्शन नहीं देते, एक बात। दूसरी बात ऐसी है कि महीना भर से हमारे शहर में बारिश नहीं हो रही थी, और दो दिन पहले बारिश हुई तो दयाना MIDC रमजान पूरा 15 घंटा पावर बन रही, 15 से 16 घंटा। ये प्रेम सिंह साहब 4 साल से 20 करोड़ रुपया हर साल इनको मेंटेनेंस पे खर्चा करना है, 4 साल हो गया 80 करोड़ रुपया कहाँ गया, ये दादा भाव से गुजारिश है कि आप इनकी इंक्वायरी करवाएं और देखिए कि आप क्यों नहीं ये तो फीडर बढ़ा पा रहे हैं। 4 फीडर जो है, 4 सब स्टेशन वजीर खेड़ा, लोनवाड़े और ऐसे रोकड़ बा इस तरफ बनाने वाले हैं, क्योंकि शहर में जगह नहीं है, वो बनेगा जल्दी से जल्द तो हमारे शहर में लोड कम होगा और ये जो मेंटेनेंस की तकलीफ होती है, और ये लोग के काम 6 महीने से काम नहीं कर रहे हैं, ताजिए के वक्त भी में किए, मगर ताजिए जिस रास्ते से गुजरी है उसी रास्ते से जुलूस भी गुजरने वाला है। इस्लामपुरे में बहुत सारी जगह तार नीचे हैं, जो झंडा ऊपर लेके आएंगे तो उसको अड़केगा, ऐसी बात मैं बोलता हूँ। अब रही बात हम सांसद सांसदता कमेटी में, हम अभी इससे पहले जब भी जुलूस की मीटिंग में आते थे तो हम लोग ही रहते थे, आज हमारे शहर के हमारे बरादराने वतन भी हैं, गणेश चतुर्थी के प्रेमी भी हैं। मैं ये बता देना चाहता हूँ कि ये शहर, ये जो जुलूस निकला 1919 में निकला था पहला जुलूस, और 1921 में कलेक्टर था, हम लोगों ने ये मालेगांव शहर को अंग्रेजों से आज़ाद करा लिया था, 3 दिन तक आज़ाद था ये, यानी उस वक्त तो हिंदू मुस्लिम इकट्ठा होकर आज़ाद कराए थे, कोई भेदभाव नहीं था, और आप पूरी दुनिया में देख ले या पूरे हिंदुस्तान में देख लो, कोई पीर मोहन नहीं है, मगर मोहन पीर गली है, पीर की मजार भी है यहाँ पर, ये इत्तेहाद की निशानी है। तो ये अगर आप देखे जाए तो हर 35 साल पे हर त्योहार एक दूसरे टकराता है, इससे पहले भी हमारा गणेश चतुर्थी और ईद मिलाद एक साथ आ चुका है, उस वक्त तो भी शांत से सब कुछ हो गया था, कुछ नहीं हुआ था,
और इंशा अल्लाह ताला जो आने वाला त्यौहार है वो भी इंशा अल्लाह एकदम अमन शांति से होगा। ये मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ क्योंकि हमारे पैगंबर को रहमतुल्लिल आलमीन बनाकर भेजा गया है, सारे आलम के लिए रहमत बना के भेजा गया है। हमारे पैगंबर को जब कुछ नौजवान लोग पत्थर से मार रहे थे तो उनके नाले शरीफ यानी जूती खून से भर गई थी, तो हमारे जो पैगंबर हैं जिब्रील अलैहिस्सलाम वो आए और बोले कि आए मोहम्मद कह दो तो ये दोनों पहाड़ियों मिलाकर इनको नस्तनाबूद कर दिया जाए। मगर उस वक्त तो हमारे पैगंबर ये बोले थे नहीं, अल्लाह से दुआ करें कि इनको हिदायत दे। ये हमारे नौजवानों को उलमाए किराम को मैं बोलूँगा, हमारे नौजवानों को बताइए कि हमारे पैगंबर कितनी कुर्बानी दिया इस दुनिया के लिए, ताकि जो हमारा पड़ोसी अगर गैर मुस्लिम भी है तो उसको भूखा नहीं सोने देना चाहिए। ये हमारी तालीम है, यही हमारा इत्तेहाद रहेगा और हमारा इत्तेहाद हमारी शांति, हमारे शहर की तरक्की रहेगी, हमारे देश की तरक्की रहेगी। शुक्रिया। डायमंड कारपेट, हमारे वहाँ कारपेट दराज पायदान होलसेल रेट में दिया जाता है। हमारा पता याद रखें, मुस्तफ़ा वंगार बाजार, डायमंड कारपेट, मालेगांव।